दोस्तों, अगर आपने भी अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से किसी गलत अकाउंट पर आपने पैसे सेंड कर दिए हैं गलती से और आप अपने पैसे अपने बैंक अकाउंट में वापस रिसीव करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज के वीडियो में आपको इसी का तरीका बताने वाला हूँ कि अगर आपने अपने फोन पे से या किसी भी एप्लीकेशन से किसी गलत व्यक्ति के अकाउंट में आपने पैसे भेज दिए हैं और आप उसको वापस लाना चाहते हैं, तो आप किस प्रोसेस से उसको वापस ला सकते हैं। तो अगर आपके भी साथ यही प्रॉब्लम है और आप इसका सोल्यूशन जानना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने फोन पे, गूगल पे जो भी एप्लीकेशन है उसको आपको ओपन कर लेना है और आपकी हिस्ट्री में आपको सभी ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाते हैं, जो भी पैसे आप रिसीव करते हैं, किसी को सेंड करते हैं, ट्रांजेक्शन को यहाँ से सिलेक्ट करना है जो कि आपने यहाँ पे गलती से कर दिया। जैसे कि सपोज कीजिए एक ट्रांजेक्शन है, अब ये गलती से मैंने किसी के अकाउंट में पैसे सेंड कर दिए हैं और मैं पैसे वापस लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको इस ट्रांजेक्शन को इस तरह से ओपन करना और इसका एक आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ट्रांजेक्शन आईडी का, इस आईडी को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये दो काम आपको सबसे पहले करना है। इसके बाद आपको यहाँ से बैक लेना। अब बैक लेने के बाद आपको चले जाना है अपने किसी भी ब्राउजर में या फिर अपने गूगल को ओपन कर लीजिए। अब गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है दोस्तों NPCI। NPCI लिख के आपको इस तरह से सर्च कर देना है। जैसे आप NPCI लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको npci.org.in की ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी। इस वेबसाइट को आपको ऐसे ओपन कर लेना है। अब जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को इस तरह से ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है और नीचे आपको काफी तरह के अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको करना क्या है कि ऊपर की साइड आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, आपको 3 डॉट पे जाना है। 3 डॉट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से 6 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो सबसे बॉटम पे आपको एक ऑप्शन मिलता है गेट इन टच का, आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कॉन्टैक्ट विद अस का, सेकंड आपको मिलता है यूपीआई कंप्लेंट का और थर्ड आपको मिलता है अदर प्रोडक्ट कंप्लेंट का। तो आपको सेकंड वाले को सिलेक्ट करना है, यूपीआई कंप्लेंट। जैसे आप यहाँ पे यूपीआई कंप्लेंट को सिलेक्ट करते हैं, आपके सामने इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाता है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आना है। अब यहाँ पर आपको कंप्लेंट का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको ट्रांजेक्शन, पिन, अकाउंट वगैरह काफी तरह के ऑप्शन मिलते हैं। तो आपको फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप टैप करेंगे। और अगर आपने किसी पर्सन को यहाँ पे पेमेंट सेंड किया है गलती से, तो आप पर्सन टू पर्सन को सिलेक्ट करेंगे। और अगर कोई मर्चेंट प्रोफाइल थी कोई कंपनी की या किसी पर्सन की, तो आप यहाँ से मर्चेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो नॉर्मली आप यहाँ पे पर्सन टू पर्सन ही करते हैं, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में इश्यू क्या आ रहा है तो यहाँ पे टैप करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफी तरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर मिलता है इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड टू अदर अकाउंट, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको कमेंट में अपनी डिटेल दे देनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनकरेक्ट पेमेंट, मैं यहाँ पे इनकरेक्ट पेमेंट लिख देता हूँ। आप यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल दे सकते हैं, 500 वर्ड में आप अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आपने जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया थी कि आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है उस ट्रांजेक्शन का और एक उसकी ट्रांजेक्शन आईडी कॉपी करनी है, तो हमने जो ट्रांजेक्शन आईडी कॉपी की थी उसको हम यहाँ पे लाकर पेस्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने कॉपी कर ली थी, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। इसके बाद में आपका अकाउंट किस बैंक में, आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि मेरा बैंक ऑफ इंडिया में, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी एंटर करनी है। अपनी यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है, जैसे कि आपका जो, मैं रेंडमली आपको कुछ भी एंटर करके दिखा देता हूँ, इस तरह से @YBL या कुछ भी करके आपकी जो यूपीआई आईडी होती है आपकी एप्लीकेशन के अंदर, वो आपको एंटर करना है। कितना अमाउंट आपने यहाँ पे गलती से सेंड किया है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद में उस ट्रांजेक्शन की डेट क्या थी, तो यहाँ से जिस डेट को आपने वो ट्रांजेक्शन गलती से सेंड किया था वो डेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, इस तरह से एंटर कर देना है। अपनी एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना है और ईमेल आईडी के बाद यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर आपको एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अब जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था उस ट्रांजेक्शन का, उसको आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। और फाइल ओपन होने के बाद आप अपने फाइल मैनेजर और अपनी गैलरी को यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 3 डॉट पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने फोटोज वाले सेक्शन में,
और यहाँ पर मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया था उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो अटैच हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पे आपको इसको सबमिट कर देना है। अब जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट को यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे वापस आ जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है दोस्तों, उसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि सपोज कीजिए आपने किसी के अकाउंट में गलती से पैसे सेंड कर दिए, तो ये प्रोसेस आपको पैसे सेंड करने के 4 घंटे के अंदर अंदर करना होगा। अगर 4 घंटे के अंदर अंदर आप इस फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, अपनी कंप्लेन यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, तो आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको पेमेंट किए 4 घंटे से ज्यादा हो गए हैं तो फिर इस प्रोसेस को मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आपको यहाँ पे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आपने अपने गूगल पे, फोन पे वगैरह किसी भी एप्लीकेशन से किसी व्यक्ति को यहाँ पे गलती से गलत पेमेंट कर दिया है और आप उसे अपने बैंक अकाउंट में वापस मंगाना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप आसानी से मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।